दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे विनर के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने दोस्तों आज तक दोस्तों इतने ढेर सारे मैचेस खेल रखे हैं लेकिन एक भी रुपए की इनकी कभी विनिंग नहीं हुई थी। लेकिन अचानक दोस्तों एक से दो दिन पहले के मैच में यहां पे इनकी रैंक वन आई है और दोस्तों इन्होंने पूरे एक करोड़ रुपए का प्राइज विन कर लिया है। इनका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और वो कौन सा मैच था जिसमें इनकी एक करोड़ वाली प्राइज विन हुई है और दोस्तों कैसे टीम बनाई थी उस मैच में कि इनका दोस्तों अचानक से रैंक वन आ गया। हालांकि कई सारे सालों से ये खेल रहे ड्रीम इलेवन लेकिन एक भी रुपए की विनिंग नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से इस मैच में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी बदौलत इनकी विनिंग हो गई है और एक करोड़ दोस्तों पूरे एक करोड़ रुपए इन्होंने विन कर लिए हैं। पूरी जानकारी आज की वीडियो में वन बाई वन आपको देने वाला हूँ, कैसे टीम बनाई थी, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था और कौन से तरीकों से इतनी इनकी विनिंग हुई है दोस्तों उसके बारे में आज की वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो और इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर देखने को मिलती रहती है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करो। साथ ही साथ टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप भी टीम बनाते हो ड्रीम इलेवन में प्रेडिक्शन वगैरह आपको देखनी रहती है तो यहाँ पर टेलीग्राम पर पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाती है जिसका लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएँ ज्वाइन हो जाएँ, टेलीग्राम पर जुड़ें, काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ें और यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी उसका भी प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा मैच था, इनका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से इनकी एक करोड़ की विनिंग हो गई है और आप लोग दोस्तों रह जाते हैं, इसी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों टाटा वुमन प्रीमियर लीग की तरफ से 15 मार्च को हो रहे यूपी वुमन और RCB रॉयल चैलेंज बेंगलोर के वुमन के मैच में इनकी रैंक वन आई है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो यूपी वुमन वर्सेज RCB वुमन के बीच में मैच था जो कि 15 मार्च को था, जो कि टाटा वुमन प्रीमियर लीग की तरफ से दोस्तों संस्थगित किया गया था। उसी मैच में इनकी रैंक बनाई है और एक करोड़ की विनिंग इनकी हुई है। कैसे हुई है, कैसे टीम बनाई थी, विकेट कीपिंग में किसको लिया था, बैट्समैन में किसको लिया था, बॉलर में किसको लिया था, ऑलराउंडर्स में किसको लिया था और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको सेलेक्ट किया था उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और जो नेक्स्ट मैचेस में आप लोग टीम बनाओगे तो भाई ये सब चीज़ें आप लोग देख के भी अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इनका जो नाम है मैं आपको बताने वाला हूं और ये कहां के रहने वाले हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों रैंक वन आई है, एक करोड़ का प्राइस विन किया है भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर JK के रहने वाले हैं और यहां पे इनका नाम है वो है आसिफ खान। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो आसिफ खान नाम है इनका, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पर इन्होंने टीम बनाई थी, यानी कि दोस्तों तीसरी टीम से विनिंग हुई है, दिन की तीन टीम बनाई हुई थी इन्होंने और वही तीसरी टीम के माध्यम से इनकी दोस्तों विनिंग हुई है। तो अगर आप भी दोस्तों इसी तरह से पैसे कमाना चाहते हो, आप भी रैंक वन लाना चाहते हो तो जो स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो की है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, वही टेक्निक आप भी लेकर चलते हो तो गारंटी है कि आप लोग भी यहाँ पर रैंक वन ला लोगे, आप भी कभी न कभी एक करोड़ वाला प्राइज विन कर लोगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों इन्होंने बहुत ही गिने चुने मैचेस खेले हैं, बहुत ही अधिक मैचेस नहीं खेले हैं, बहुत ही सिलेक्टेड मैच खेले हैं लेकिन दोस्तों विनिंग नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों हाल ही के अभी मैच में इनकी विनिंग हुई है और एक करोड़ वाला दोस्तों प्राइज इन्होंने विन कर लिया है, पूरा पूरा रैंक वन आया है दोस्तों और यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो एक करोड़ वाला अमाउंट दोस्तों इनके एड विड्रॉल का इसमें दोस्तों आ गया है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं इनके टीम की तरफ, देखते हैं इन्होंने टीम में किसको लिया था, कौन से प्लेयर को लिया था और किस चीज़ के माध्यम से इनकी विनिंग हुई है। दोस्तों टीम हर कोई बनाता है, आप भी बनाते हो टीम, कई लोग बनाते हैं टीम, लेकिन दोस्तों टीम में वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो बातें नहीं होती हैं जो यहाँ पे रैंक वन तक पहुँचा दें, जो यहाँ पे हमको विनिंग प्राइस दिलवा दें। इन्होंने वही कमी को दूर किया, इन्होंने दोस्तों उसी कमी को पकड़ा और यहाँ पर इसी कमी के चलते यहाँ पर दोस्तों आप लोग लॉस कर जाते हो और इन्होंने इसी कमी को दोस्तों पकड़ के यहाँ पर विनिंग कर ली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप लोग क्या करते हो, आप लोग जाते हो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव परसेंटेज के पीछे, बहुत बड़ी गलती है। सिलेक्टिव परसेंटेज आप लोग देख के टीम बना देते हो, सिलेक्शन परसेंटेज देख के आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना देते हो जो कि बहुत बड़ी गलती है। सिलेक्शन परसेंटेज का दोस्तों इतना ही रोल होता है कि सिलेक्शन परसेंटेज का मतलब है कि इतने लोगों ने इस प्लेयर को सिलेक्ट किया है, पॉपुलर प्लेयर है इसलिए अधिक लोगों ने सिलेक्ट किया है, आप भी सेम वही चीज़ कर देते हो इसलिए आपको लॉस हो जाता है। दोस्तों कई सारे ऐसे विनर जिन्होंने सिर्फ ऑलराउंडर किसके बदौलत यहाँ पे रैंक वन ला ली है, काफ़ी सारे विनर्स हैं, चैनल में भी ऑलरेडी वीडियोज़ पढ़ चुके हैं, आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा आपको कि क्या इन्होंने अपने विकेट कीपर बनाए थे, कौन से प्लेयर को बनाए थे, आइए आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ इन्होंने अपनी टीम कैसे बनाई थी। इनके जो विकेट कीपर थी दोस्तों वो आर घोष थी, आप लोग देख सकते हो आर घोष को इन्होंने विकेट कीपर लिया हुआ था। बैट्समैन में दोस्तों किनको लिया हुआ था आप सुन के चौंक जाएंगे, इन्होंने G. हैरिस, हाई नाइट और S. डिवाइन को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बैट्समैन में लिया हुआ था।
अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों बैट्समैन की जो कैटेगरी है इन्होंने कैसी रखी है, ना ही बहुत अपर लेवल की है ना ही बहुत लोअर लेवल की है, मीडियम साइज के बैट्समैन को इन्होंने रखा था, जो कि दोस्तों इनके मैच में परफॉर्मेंस दिलाने में इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं। आइए बात करता हूँ ऑलराउंडिंग बॉलिंग में कौन कौन थे और दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाया था। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो ऑलराउंडर में दोस्तों इनकी जो टीम थी इन्होंने 4 मेंबर्स को ऑलराउंडर में लिया हुआ था। पहला है ई पेरी, दूसरे हैं डी शर्मा, तीसरे हैं के आहूजा और चौथी हैं एस एसा। दोस्तों ये चारों प्लेयर को इन्होंने ऑलराउंडर में लिया हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे कैप्टन किसको बनाया है, कैप्टन बना दिया है ई पेरी को और वाइस कैप्टन बना दिया है डी शर्मा को। दोस्तों इनका माइंड प्लान देखिए आप लोग, ना ही जैसे कि दोस्तों पिच अधिकतर बॉलिंग या बैटिंग ही होती है, इन्होंने ऑलराउंडिंग में दोस्तों दोनों प्लेयर को लिया और उसी दोनों प्लेयर से दोस्तों इन्होंने बना दिया कैप्टन वाइस कैप्टन। बॉलर में रखा है एम स्कट, एस स्क्लिक्स्टन और एस पाटिल को, लेकिन दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन ई पेरी और डी शर्मा को ही बनाया है। कारण दोस्तों कोई कोई जो ग्राउंड होते हैं, कोई कोई जो मैचेस होते हैं, उनमें दोस्तों जो प्लेयर का एनालिसिस होता है, जो प्लेयर की दोस्तों एक प्रकार से बोलते हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस आज के मैच में होने वाला है वो काफ़ी हाई होता है, और इसी चीज़ों के माध्यम से इन्होंने इस जानकारी को पकड़ा और दोस्तों यहाँ पे टीम बना दिया। कैप्टन वाइस कैप्टन का सही सिलेक्शन दोस्तों दिमाग से करना चाहिए, ना कि सिलेक्शन परसेंटेज देख के। बार बार आपसे बोलता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन का सही सिलेक्शन अगर अपने माइंड से करोगे, यूनिक टीम बनाओगे, तो बाबू आपकी भी रैंक बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। गलती करोगे, कॉपी करोगे और अगर दोस्तों आप लोग इस तरह से चीज़ों को मिसबिहेव करोगे तो फिर आपकी दोस्तों विनिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास फिर उस लेवल की जानकारी नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन चीज़ों के माध्यम से आप भी विनिंग कर सकते हो, आप भी पैसे कमा सकते हो। बाकी यार चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करो ताकि सभी लोगों के पास जानकारी पहुंचे। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ो, बाबू टेलीग्राम से जुड़ोगे तो मैच की प्रेडिक्शन टीम एवरीथिंग वहाँ पर मिलती रहती है, जिसके माध्यम से आपकी विनिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, ठीक है? धन्यवाद।